सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स. और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का. सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर अकेडमिक्स. और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपनी इस नई सीरीज 10 डेज प्लेज के अंदर. और इसमें आप पूरा का पूरा कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हो 12th क्लास इंग्लिश का. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो जरूर करिए और अपना कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करिए. तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपना लॉन्ग कंपोजिशन का टॉपिक, जिसमें मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा और स्पीच के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से आपको सेल्फ कंपोजिशन वाले वे में से करना है ये बताऊंगा. क्योंकि मैंने पहले फॉर्मेट के थ्रू इसको समझाया है, तो कई सारे बच्चे कहते हैं कि फॉर्मेट हमारा अप्लाई नहीं हो पाता डिफरेंट टॉपिक्स में. तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि कैसे आप सेल्फ कंपोजिशन भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तभी आप उसको अच्छे तरीके से कर पाओगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन जो है उसको चेक जरूर कर लें और अपने कोर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें. सबसे पहली चीज गाइस, बात करते हैं हम ब्लूप्रिंट के बारे में. यहां ब्लूप्रिंट की स्पेलिंग गलत हो गई है. तो ब्लूप्रिंट के बारे में सबसे पहले हमें टॉपिक लिखना होता है, आर्टिकल या स्पीच जो भी हो. फिर हमें अपना नाम लिखना होता है स्पीच में, बेशक हम नाम ना लिखे तो भी चल जाएगा. मेन हमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, टॉपिक के बारे में कंटेंट लिखना होता है. फिर लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना होता है. तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आर्टिकल को हम 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं. अब सेल्फ कंपोजिशन वाला तरीका देखते हैं. देखो, अगर मैं आर्टिकल कर रहा हूं, स्पेशली अगर मैं आर्टिकल कर रहा हूं, तो उस केस में मैं जब सेल्फ कंपोजिशन करूंगा और फर्स्ट पैराग्राफ लिखूंगा तो उसमें मुझे क्या लिखना है. सबसे पहला पॉइंट मैंने दिया है बैकग्राउंड, दूसरा पॉइंट मैंने दिया है सब्जेक्ट. तो बैकग्राउंड क्या है और सब्जेक्ट क्या है. देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉपिक लिख रहे हो पॉल्यूशन के ऊपर, अगर आप टॉपिक लिख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, या फिर आप लिख रहे हो प्राइस राइजिंग के ऊपर, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर पोल्यूशन पे लिखना है तो वो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे पोल्यूशन इज दिस 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 दिस. तो ऐसे स्टार्ट नहीं करना, आप बच्चे नहीं हो यार. आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में आता है. तो 12th जो है उसके अंदर कुछ तो अपग्रेड करो चीजों को, अपने जो थॉट्स हैं उनको थोड़ा तो इंप्रूव करो. तो आप डायरेक्टली टॉपिक पे मत आओ, पहले टॉपिक जो है, जो आपका सब्जेक्ट है, आप उसके बैकग्राउंड को सर्च करो. फॉर एग्जांपल अगर आप पोल्यूशन की बात करने वाले हो तो आप पोल्यूशन की जगह शुरुआत में बात कर सकते हो एनवायरमेंट की, कि एनवायरमेंट एक अच्छा एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसे लैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं प्राइस राइजिंग की, तो आप एक कॉमन इंसान के बजट की बात कर सकते हो, उसकी नीड्स की बात कर सकते हो, फिर जाके प्राइस राइजिंग की बात कर सकते हो और कैसे उसको आप रिलेट करोगे आप जानते ही हो. मतलब जब भी टॉपिक आएगा तो डायरेक्टली टू द पॉइंट आपको स्टार्ट नहीं करना, पहले आपको टॉपिक के बैकग्राउंड में जाना है, ज़्यादा नहीं 3-4 लाइन जाना, फिर उसके बाद टॉपिक पे आना है और फिर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है. फिर कंटेंट की अगर बात करूं तो नेगेटिव सेंस में स्टेटमेंट दे सकते हो, जैसे प्राइस राइजिंग को लेके स्टेटमेंट दे सकते हो कि हाउ द प्राइस राइजिंग इज अ बिग प्रॉब्लम विच इज अफेक्टिंग द बजट ऑफ अ कॉमन मैन. फिर उसके बाद कॉजेस बता सकते हो कि भाई प्राइस राइजिंग क्यों हो रही है, इसका इफेक्ट बता सकते हो. और टॉपिक जो होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, किसके बारे में लिख रहे हैं हम, किसी प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हैं. और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हम किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, किसी चीज के इंपॉर्टेंस के बारे में लिख रहे हैं. तो पॉजिटिव वाले सेंस में भी आप पहले टॉपिक के बारे में स्टेटमेंट दे सकते हो. फॉर एग्जांपल आप योगा की बात कर रहे हो तो योगा को लेके स्टेटमेंट दे सकते हो कि योगा हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है. फिर उसके बाद व्हाई इज इट नेसेसरी का मतलब कि ये जरूरी क्यों है, मतलब अगर ये ना हो. देखो, बेनिफिट और व्हाई इज इट नेसेसरी दोनों अलग अलग है. व्हाई इज इट नेसेसरी में आपको ये लिखना होगा कि अगर ये ना हो तो क्या दिक्कत होगी, और बेनिफिट्स में लिखना होगा अगर ये होगा तो क्या फायदा होगा. दोनों चीजें आपको बतानी होंगी. और फिर इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आप सॉल्यूशन की बात कर सकते हो. अगर आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, भाई कोई प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन की बात कर सकते हो कि कैसे उस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं. और अगर किसी पॉजिटिव सेंस की बात कर रहे हो तो टॉपिक के अंदर आप सजेशन लिख सकते हो कि उस चीज़ को और ज़्यादा कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये मेरा जो ब्लूप्रिंट है ये समझ में आया होगा. ये पॉइंट्स हैं जिनको एलोबरेट करके आप एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख सकते हो. अगर आप चाहो तो आर्टिकल्स में कोट का भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर वर्ड सेइंग्स का यूज कर सकते हो, उनको भी कमेंट कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, इंटरोगेशन कर सकते हो, ताकि जो रीडर हो पढ़ते हुए इंटरोगेट हो जाए, किसी भी क्वेश्चन को रेज कर सकते हो, फिर उसके बाद उसके आंसर को दे सकते हो. ऐसे करके आप अपनी सेल्फ कंपोजिशन को यूज कर सकते हो. और सेल्फ कंपोजिशन को चाहो तो फॉर्मेट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो मैं आगे बताने वाला हूँ. तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये दिक्कत होती है कि सर जब भी हम लिखते हैं तो हमें ना लिखने में दिक्कत होती है, हमारे पास थॉट्स होते हैं लेकिन हम उसे बना नहीं पाते, जिसकी वजह से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है. और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने की वजह से उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऐसे फॉर्मेट्स तैयार करे हैं जिसमें आप चाहो तो पूरे पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो. ऐसे एक पॉजिटिव आर्टिकल का फॉर्मेट है और एक नेगेटिव आर्टिकल का फॉर्मेट है. पॉजिटिव का मतलब कि जहां पे किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है आप उसको लेके लिखोगे, और नेगेटिव का मतलब जहां पे किसी चीज़ की प्रॉब्लम की बात हो रही है तो आप उसको लेके
लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव में आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। मान लो हम योगा की बात कर रहे हैं, तो योगा इज द मीन्स ऑफ कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर, मतलब योगा एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में हर एक चीज को व्यवस्थित रूप से बनाए रखती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैप बाय ह्यूमन इन इज लाइफ, मतलब ये इंसान के द्वारा रखी गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी लाइफ में। अब हो सकता है टॉपिक कंट्री से रिलेटेड है, तो वहां पे लाइफ की जगह कंट्री आ सकता है, सिटी आ सकता है, स्टेट आ सकता है। जैसे क्लीनलेस की बात हो रही है इंडिया में, तो कंट्री आ सकता है। ऐसे ही नेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, इसीलिए हर एक चीज की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा ये फॉर्मेट जो है हम लर्न कर सकते हैं। बस इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ लाइन को हम चेंज कर सकते हैं और थोड़े बहुत लाइंस को हम अमेंड करके कुछ और लाइन भी यूज कर सकते हैं, मतलब हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा। तो ओवरऑल जितनी भी लाइन्स ये लिखी हुई हैं किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस के ऊपर बेस्ड है। आप चाहो तो योगा के ऊपर, क्लीनलेस के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर अगर आर्टिकल लिखना है तो इन लाइन्स को यूज कर सकते हो, और बीच में जो सेल्फ कंपोजिशन है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात इस पूरे के पूरे फॉर्मेट का एक्सप्लेनेशन जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ रखा है, तो फॉर्मेट की लाइन टू लाइन मैंने पूरी की पूरी समझा रखी है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो आप किसका समझ सकते हो। अब साथ में हम बात करते हैं नेगेटिव आर्टिकल की। तो जैसे पॉजिटिव आर्टिकल हमारी किसी चीज की इंपॉर्टेंस के ऊपर होता है, नेगेटिव आर्टिकल किस चीज के ऊपर होता है? प्रॉब्लम के ऊपर होता है। जैसे हम पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिख रहे हैं, या इसके अलावा किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, ऐसे ही इसमें भी कुछ कॉमन लाइन्स है जो हम यूज कर सकते हैं सारी की सारी प्रॉब्लम में। जैसे देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। अब हो सकता है लाइफ की बात हो रही है तो वहां लाइफ लिख सकते हैं हम, और वन ऑफ द प्रॉब्लम इज जो प्रॉब्लम है वो आ जाएगी। फिर इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हमारी कंट्री अनडेवलप मानी जाती है, ये वो, मतलब ये लाइंस जो है वो कंट्री के अकॉर्डिंग है। आप चाहो तो इसे लाइफ से रिलेट कर सकते हो और इस फॉर्मेट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और सेल्फ कंपोजिशन को भी इसमें यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, उसका फॉर्मेट समझ में आया होगा, और आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे। और नीचे फॉर्मेट तो मैंने दे ही रखा है पीडीएफ फाइल के अंदर, और वैसे भी आपको नोट्स मिल गए होंगे तो आपके पास फॉर्मेट होगा, आप उसको भी यूज कर सकते हो। और सेल्फ कंपोजिशन को ज्यादा से ज्यादा करके देखो। अगर आपका कोई पर्सनल गाइड है, टीचर है, भैया है, भाभी है, तो उसको भी दिखाओ कि भाई मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है क्या नहीं है, ताकि वो आपको गाइड कर सके। आर्टिकल जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, ज्यादातर प्रेजेंट रूल्स वहां पे यूज होते हैं। इवन स्पीच हो गया, डिबेट हो गया, ये सारे प्रेजेंट टेंस के साथ लिखे जाते हैं, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। अब बात रही स्पीच राइटिंग की, तो स्पीच राइटिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता स्पीच और आर्टिकल में, बस इतना ही डिफरेंस होता है कि आर्टिकल एक रिटन कंपोजिशन होती है, स्पीच जो होता है वो एक वर्बल पार्ट होता है, लेकिन लिखना तो स्पीच को भी है हमारे को। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा स्पीच में टॉपिक, फिर हमें डायरेक्टली ग्रीट करना है गुड मॉर्निंग से, फिर अपना नाम बताना है क्योंकि मॉर्निंग असेंबली में हम स्पीच देते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं कि किस टॉपिक पे हम स्पीच दे रहे हैं। और बीच में मैंने यहां आर्टिकल फॉर्मेट नेगेटिव या पॉजिटिव लिखा है, तो मतलब स्पीच अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस पे है तो आप बीच में चाहो तो जो आर्टिकल का फॉर्मेट है उसको यूज कर सकते हो, या अपनी सेल्फ कंपोजिशन करनी है तो आप उसको भी कर सकते हो। उस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, और एंडिंग में आपको थैंक यू कहना है किसको, जो लिसनर्स हैं उनको, और उनको कहना है कि आई होप आप मेरी बात को समझे होगे, और इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ओवरऑल अगर किसी को समझ नहीं आ रहा मैं नेगेटिव आर्टिकल पॉजिटिव आर्टिकल ये वो कैसे लिखूं, तो टॉपिक जो भी आया है उसके बारे में जितना ज्यादा आप लिख सकते हो आपको उतना ज्यादा लिखना है, और ग्रामर का खास तौर पर ध्यान रखना है। रही बात ग्रामर की, अगर आपको अपनी ग्रामर को इंप्रूव करना है तो कुछ वीडियोज मैंने ग्रामर को लेकर बना रखी है अपने दूसरे चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग लेसंस, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मैं वो लिंक आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप चाहो तो उन वीडियो से पढ़ भी सकते हो। एक काम करूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दे दूंगा, तो उसमें जाके सारी की सारी वीडियोस देखना शुरुआत से, तो आपको वहां से चीजें मिल जाएंगी। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, इस पर कमेंट जरूर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे को सपोर्ट करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। यहां पे मैंने बटन दे रखा है सब्सक्राइब करने के लिए, तो इसको क्लिक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे ले जाने में हमारी मदद करो। थैंक यू सो मच।